जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है हमारे माइंड में इतना कुछ आ जाता है एकदम से कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, तो उस वक्त क्या करना है, इमीडिएटली अपने आप को रोको, बोलो पॉज, रुको, ठीक है। पॉज बोला मतलब किसको बोला, अपने माइंड को बोला। आप अपने माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, पहले तो इस बात को समझ लो। अगर कोई आपको आकर के कहता है ना कि आपका माइंड आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आप में आपके माइंड से लाख गुना ज्यादा पावर है। माइंड को आप ही यूज करते हो ना, अभी अननोइंगली यूज कर रहे हो, अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट अगर नोइंगली करने लग जाओ तो कमाल का वेपन है। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसी भी डायरेक्शन दे सकते हो, माइंड को बोल सकते हो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, माइंड मानेगा। आपका माइंड है, आप माइंड के थोड़ी हो, सिंपल है ना। हाँ, माइंड आपके लिए है, आप माइंड के लिए नहीं हो। तो माइंड को बोलो पॉज, और इमीडिएटली अपने आप से क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन किल्स योर थॉट प्रोसेस। आ गया ना क्वेश्चन, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली किल्स योर थॉट प्रोसेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आप सब अवेयर हो क्या हुआ, जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रही थी, अगर चल रही थी तो सब खत्म हो सकता है। आप में से कोई मेरी शर्ट के बारे में सोच रहा होगा, ये क्या 7 नंबर क्यों लिखा हुआ है यार? कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होगा। बोल रहा था मैं आपसे, आप सोच रहे थे कुछ और ही, अपने आप से रिलेट कर रहे थे, एकदम से सब गायब हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर, क्या आप जागे हुए हो? कहां गए थॉट्स? माइंड जीरो हो गया, सिंपल हो गया ना। तो ऐसे ही आपने एक सही तरह का क्वेश्चन पूछा, आपने सही टाइम पे, ऐसे माइंड में खचड़ पचड़ हो रहा है, ठीक है घर में प्रॉब्लम है, किसके घर में नहीं है, ठीक है ना, लाइटली लिया, प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी? तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है, कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना, मिल गया ना जवाब, एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, अभी तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, अभी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया, बार बार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, पढ़ 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 पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अपने माइंड को, क्लियर हो गया ना। अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड कभी कह रहा है ये देखो वो देखो, उससे बात करो, ये करो वो करो, मूवी देखो, छोड़ो सो जाते हैं, एक दो लगा लेते हैं, चल सुट्टा मार के आते हैं, वट एवर इट इज, माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो, पढ़ 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, 2 महीने रह गए, पढ़ पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, और क्या करोगे इस मोमेंट में, तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सिर्फ 1 महीना रह गया एग्जाम में, इस टाइम पे और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ में है, वो आपके पढ़ने के हाथ में है, ठीक है ना। आपके सोचने से क्या होगा, सोचते रहो बैठे बैठे, मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्या है ये, दोनों ही चीजें कॉमेडी है, इसको लाइटली लो। इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट में, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना, पढ़ो। सुबह सुबह उठे, अगले दिन एक दिन पहले रात को घर में कोई तमाशा हो गया, पापा मम्मी की लड़ाई हो गई, नॉर्मल है, हर घर में होती है, या आपको अच्छे से किसी ने सुना दिया, या आपने अपनी फोटो डाली फेसबुक के ऊपर, उसमें कोई लाइक नहीं आया उन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जिनकी फोटो आप पिछले 2 साल से लाइक कर रहे हैं, बेकार बेकार उनके कुत्ते की फोटो भी लाइक कर रहे हैं, उन्होंने आपकी फोटो भी लाइक नहीं करी, मतलब आपकी सेल्फी उनके कुत्ते की सेल्फी से भी कहीं गुजरी है, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे थॉट माइंड में चल रहे हैं, यार ये कितना घटिया इंसान है। तो सुबह उठे, यही थॉट माइंड में चल रहा है, इस थॉट प्रोसेस को किल करना है, क्या पूछा अपने आप से, इस मोमेंट में अभी, 1 घंटे बाद नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सुबह का टाइम है, कभी भूल जाओ तो एक चार्ट लिख करके लगा दो कि मेरे दिन का ये शेड्यूल है, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो, जब थॉट्स में ज्यादा ही खो जाओ, तो अपने आप से सवाल पूछो, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम भूल भी जाते हैं। तो इमीडिएटली अपने उस चार्ट को देखो, उसमें लिखा होगा ये टाइम है सुबह 7 बजे से 8 बजे का, यानी कि एक्सरसाइज। ऐसे ही हर चीज में आपको क्लियर होना चाहिए, जिस टाइम पे खा रहे हो